नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं आरटेट 2019 के बारे में, जो जल्दी ही आने वाली है राजस्थान में। तो उसके लेवल फर्स्ट का सिलेबस जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें बाबू चौधरी चैनल को और दबाइए इस घंटी के आइकन को, ताकि हमारे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कि हम सबको मालूम है राजस्थान में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, यहाँ पे कांग्रेस सरकार आ चुकी है, तो रीट की जो एग्जाम होती थी उसकी जगह ले सकता है आरटेट। अगर आप राजस्थान में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको आरटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि आरटेट जो लेवल फर्स्ट और सेकंड होती है, उसमें लेवल फर्स्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। लेवल फर्स्ट का पेपर आपका 5 भागों में बटा रहता है, 5 इकाइयों में बटा रहता है। तो पहली इकाई में मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसके कुल 30 प्रश्न आते हैं और जो 30 नंबर के होते हैं। तो ये हो गया आपका पहला इकाई नंबर 1। पार्ट फर्स्ट मनोविज्ञान के होने के बाद में पार्ट सेकंड आ जाता है, जिसमें आपको 7 लैंग्वेज होती हैं, उनमें से एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे उसमें लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको अच्छी लगती है उसमें से एक को आप सिलेक्ट करना होता है इसमें। और ये भाषा से संबंधित जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके कुल 30 प्रश्न आएंगे, वो भी 30 अंकों के ही होंगे। पार्ट 2 के बाद में हम पार्ट 3 में पहुंच जाते हैं, जिसमें भी आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है, वो भी 7 लैंग्वेज ही होती है, उनमें से आपको एक सिलेक्ट करनी होती है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, उर्दू और पंजाबी। इसमें से आपको एक लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लेनी होती है, वो पहले वाली लैंग्वेज से फर्स्ट लैंग्वेज से अलग होनी चाहिए। बस ये इस बात का ध्यान रखना है। आप अपनी इच्छा से सेकंड लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, उसमें भी कुल प्रश्न 30 आएंगे, वो भी 30 नंबर के ही होंगे। नाउ वी रीच इन द पार्ट 4th। फोर्थ जो चौथा पार्ट है वो गणित से संबंधित है, मैथमेटिक्स से संबंधित है, जिसमें 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो ही 30 नंबर के होते हैं। तो ये हो गए आपके 4 पार्ट। उसके बाद में नंबर आता है 5वें पार्ट का। 5वें पार्ट में हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, सामाजिक से संबंधित प्रश्न हमको पूछे जाते हैं, वो भी 30 अंकों के होते हैं और 30 ही प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपका पूरा 150 नंबर का पेपर हो गया। आपको आरटेट क्वालिफाई करने के लिए 150 में से 90 प्रश्न सही करने होते हैं, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती। और 150 प्रश्नों में से जिसने 90 प्रश्न सही कर दिए, वो उसके लिए क्वालिफाई कर लेता है 3rd ग्रेड एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये था आरटेट लेवल फर्स्ट का सिलेबस। और भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।